तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप के साउंड को बूस्ट करके उसके वॉल्यूम को 5 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, कुछ लोगों को अपने लैपटॉप में गाना सुनना होता है, कोई भी वीडियो देखना होता है या फिर मूवी देखना होता है, वो भी हाई वॉल्यूम में, लेकिन आपके लैपटॉप में जो स्पीकर होता है वो उस लेवल का साउंड आपको नहीं दे पाता। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही जेन्युइन और आसान तरीका है, जिससे कि आप अपने लैपटॉप के साउंड को 5 गुना तक आसानी से बढ़ा सकते हो और आपकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर सर्च करना है और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका कि नाम है लेटा सॉफ्ट साउंड बूस्टर। तो यहाँ पे आपको ये सर्च कर लेना है। तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है, लेटा सॉफ्ट साउंड बूस्टर, और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख जाएगा, www.letasoft.com। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम ही है साउंड बूस्टर। तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। और इसका साइज़ भी मात्र 6.5 MB का है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो सेटअप डाउनलोड होने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब सेटअप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेटअप को रन कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये एप्लीकेशन हेल्प करता है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में। तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस वॉल्यूम को फुल कर देता हूँ, जो कि इस वीडियो का वॉल्यूम है, और यहाँ पे मैं सिस्टम का भी वॉल्यूम फुल कर देता हूँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी फुल है। तो नॉर्मली यहाँ पे वीडियो प्ले करने पे मुझे उस लेवल का वॉल्यूम नहीं मिल पाता जो कि मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब उस सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना है वॉल्यूम को 5 गुना तक बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपको उस सॉफ्टवेयर को सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे, इस सॉफ्टवेयर में बाकी सॉफ्टवेयर की तरह आपको कोई यूज़र इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली हिडन आइकन्स में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड बूस्टर का एक आइकन आ जाता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे फुल कर देना है 500% तक, और यहाँ पे आपको इनेबल पे टिक कर देना है। अब अगर आप जाके अपने ब्राउज़र में वीडियो प्ले करते हो तो आपको वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपको मदद करता है आपके लैपटॉप में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में। आपको सिंपली डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को एक्टिव कर लेना है और यहाँ पे आपको हिडन आइकन्स में जा करके साउंड बूस्टर पे क्लिक करके वॉल्यूम को बढ़ा लेना है और मेक श्योर कर लेना है कि आपका इनेबल वाला ऑप्शन टिक किया हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कैसे आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है अपने लैपटॉप में किसी भी साउंड के वॉल्यूम को 500% तक इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े हैं, अभी के लिए बाय बाय।